चैनल स्पिरिचुअल 555। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन तारा माँ के बारे में, जिसे हरा तारा माँ भी कहते हैं। अगर आपको ग्रीन तारा माँ से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हरा तारा ध्यान क्या होता है। सो फ्रेंड्स, तिब्बती बौद्ध धर्म भय सहित अशांतकारी भावनाओं को पहचानने, उन पर काबू पाने और समाप्त करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है। हरा तारा जो एक बुद्ध के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें भय से बचाता है, शरीर और सांस की ऊर्जा हवाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह अक्सर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए जब किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग रिश्तों में रुकावटों के लिए भी किया जा सकता है। यह आपको विशेष परिणाम के लिए आशा छोड़ने में मदद करता है और आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा करते हुए ऊर्जा को अपने आप में वापस लाता है। इस मंत्र के बोल हैं, ओम तारी तुरे स्वाहा। यह मंत्र ग्रीन तारा मंत्र का तिब्बती संस्करण है, जो तारा से संबंधित है, जिसे तिब्बत में डोलमा के रूप में जाना जाता है। जापानी बौद्ध धर्म में तारा बोल 701 महिला बोधित्व हैं। उन्हें सभी बुद्धों की माँ के रूप में जाना जाता है। तारा ब्रह्मांड का महिला बुद्ध पहलू करुणा के बोधित्व का एक उत्सर्जन है। हरा तारा जब जगाया जाता है तो हृदय चक्र या अनाहत खुलता है। इसके अलावा बाधाओं और चिंताओं को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। देवी तारा सहायता के लिए तेजी से काम करती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इस मंत्र का अर्थ क्या होता है। ओम तारी तू तारी तुरी सुबह का अर्थ है, मैं मुक्तिदाता को प्रणाम करता हूँ, सभी विजय लोगों की माता। तारा मंत्र ओम तारी तू तारी तुरा सोहा है। तारे तूरी का अर्थ समझाने के लिए तारे का अर्थ है संसार से मुक्ति। तारे से पता चलता है कि माँ तारा जीवित प्राणियों को संसार से सच्ची पीड़ा या समस्याओं से मुक्त करती है। आप इसे मनुष्य के विशेष कष्ट से जोड़ सकते हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, अवांछनीय वस्तु से मिलना और घृणा का अनुभव करना, मनचाही वस्तु का ना पाना या उन्हें ना पाना लेकिन संतुष्टि ना मिलना, ये सभी सच्ची पीड़ा की समस्याएं हैं। यदि आप तारा की शरण लेकर और तारा की साधनाओं जैसे मंत्र या स्तुति का पाठ तारे से करते हैं तो तारा आपके इन सभी कष्टों से मुक्ति करती है। दूसरा शब्द है तू तारे। आपको 8 भयों से मुक्त करना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और चारों ओर खतरनाक जानवरों जैसे चीजों से बाहरी खतरों से संबंधित 8 भय हैं। हालांकि मुख्य खतरे अज्ञान, मोह, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, कंजूसी, संदेह और गलत विचारों से आते हैं। आपके मन में ये 8 परेशान करने वाले विचार मुख्य खतरे हैं। यह दूसरा शब्द तू तारे जो आपको 8 भय से मुक्त करता है, आपको दुख के वास्तविक कारण से मुक्त करता है, कर्म और सभी परेशान करने वाले विचारों से दुख दूर करता है। तीसरा शब्द है तूरे, आपको रोग से मुक्त करता है। अब 4 आर्य सत्यों में से दुख की समाप्ति को दर्शाता है, जो कि परम धर्म है। रोग से मुक्ति के संदर्भ में हमारे पास जो वास्तविक रोग है वह है मैं की पूर्ण प्रकृति को ना जाना, और इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सभी परेशान करने वाले विचार हमें रोग से मुक्त करके प्राकृतिक वास्तव में हमें प्राकृतिक वास्तविक कारण से मुक्ति करते हैं, परेशान करते हैं विचार और सबसे कष्ट भी। तारे तूरे इन 3 शब्दों का स्थूल अर्थ है हाँ, तुम्हारे लिए सभी बुद्धों के कार्यों का अवतार। मैं हमेशा अपने शरीर, वाणी और मन के साथ, चाहे मैं खुश या दुखी परिस्थितियों में हूँ, को प्रणाम करता हूँ। अंतिम शब्द है सुहा। सुहा का अर्थ है अपने हृदय के भीतर पथ की जड़ को स्थापित करना। दूसरे शब्दों में तारा की शरण लेने और तारा अभ्यास करने से आप अपने दिल में तारा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आपको अपने दिल में तारे तूरे द्वारा दर्शाए गए मार्ग की जड़ को स्थापित करने के लिए जगह देता है। अपने हृदय के भीतर 3 सक्षम प्राणियों का मार्ग स्थापित करके आप अपने शरीर, वाणी और मन की सभी अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं और तारा के शुद्ध वश पवित्र शरीर, पवित्र भाषण और पवित्र मन को प्राप्त करते हैं, जो ओम की प्रतीक है। आपका शरीर, वाणी और मन तारा के पवित्र शरीर, पवित्र वाक और पवित्र मन में बदल जाता है। यह ओम तारे तूरी सुबह का स्थूल अर्थ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके इतना प्यार देने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो भी देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप
जिस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।